नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। फिरोजाबाद से खबर, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। डिवाइडर से डबल डेकर बस टकरा गई है। हादसे में एक यात्री की मौत की खबर है। 5 की हालत गंभीर है। प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसा हुआ है। प्रतापगढ़ से एक डबल डेकर बस दिल्ली जा रही थी और रास्ते में डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 5 यात्री घायल हैं गंभीर रूप से, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हो गया। एक डबल डेकर बस डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में एक यात्री की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, जबकि 5 यात्री घायल हो गए हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है घायलों की, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया और एक डबल डेकर बस, जो कि प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही थी, रास्ते में ही एक डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद में हादसा हुआ है। एक डबल डेकर बस, जो कि प्रतापगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं। एक यात्री बस, डबल डेकर बस, जो कि प्रतापगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी यात्रियों को लेकर, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। फिरोजाबाद में एक डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरोजाबाद में यह हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। ये बस प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही थी और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके की। भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। बस जो कि डिवाइडर से जा टकराई थी, उसमें से यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। एक यात्री की मौत हुई है इस हादसे में, ऐसी जानकारी मिल रही है। मौके की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ये, जहां पर हादसा हुआ है। और देखिए कैसे ये बस एक डिवाइडर में पूरी तरीके से जा घुसी है। 5 यात्री घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है, और एक यात्री ने अपनी जान गंवा दी है। तो सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, इनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिरोजाबाद में ये हादसा हुआ, जब एक डबल डेकर बस, जो कि प्रतापगढ़ से दिल्ली जा रही थी, डिवाइडर से जा टकराई। और बड़ी खबर, 2 अगस्त को फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों को देखेंगे। 5 अगस्त से पहले दूसरी बार समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आला अधिकारियों की भी जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जाएगा। आला अधिकारी भी तैयारियों का जायजा लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो अभी कुछ रोज पहले ही अयोध्या गए थे, तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था, साधु संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। अब एक बार फिर से वो जा सकते हैं अयोध्या, ऐसी जानकारी मिल रही है। 2 अगस्त को एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। देखिए 5 अगस्त बड़ा दिन है, भूमि पूजन होना है राम मंदिर का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जाहिर सी बात है कि तैयारियां दुरुस्त होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, ये पूरी
बातें सुनिश्चित कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, दूसरा दौरा वो करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। बड़े बड़े अधिकारी प्रदेश के भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और 2 अगस्त को फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी मिल रही है। और एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, लगातार बड़े अधिकारियों का दौरा हो रहा है, मंत्रियों का दौरा हो रहा है और अब जानकारी ये कि सीएम एक बार फिर से अयोध्या आएंगे 2 अगस्त को, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल प्राची, 2 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री आएंगे भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तकरीबन 2.25 घंटे लगभग जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहां अयोध्या में रहेंगे और उस दौरान कहीं कोई कमी ना रहने पाए, इसीलिए इन सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अभी इससे पहले 25 तारीख को आए थे, 25 जुलाई को, तब भी उन्होंने बैठक की थी, जो ट्रस्ट के लोग हैं, साधु संत हैं, उनके साथ बैठक की थी और कुछ निर्देश अधिकारियों को दिए थे। अब 2 तारीख को जब आएंगे तो ये देखेंगे कि जो निर्देश दिए थे, खासतौर से जो कार्यक्रम होना है, जहाँ पर पूरा कार्यक्रम होना है, जहाँ पर VIP रहेंगे, वहाँ पर अभी तक क्या कुछ हुआ है और साकेत डिग्री कॉलेज जहाँ पर हेलीपैड बनना है किस तरह के इंतज़ाम है, तो साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन VIP के दौरे आज ही से शुरू हो गए हैं प्राची। आज जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं वो आ रहे हैं, वो अयोध्या, और वो अभी थोड़ी देर बाद महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है, किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी में सुरक्षा के इंतज़ाम रहेंगे 5 अगस्त को, उसका जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वो आ रहे हैं। 7 बजे सुबह वो लखनऊ से निकले हैं, थोड़ी देर में वो भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो लगातार अब VIP जो हैं वो अयोध्या आ रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि जो 5 अगस्त को कार्यक्रम है वो बहुत बेहतर ढंग से हो और इस तरीके से हो, अयोध्या को इस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी तैयार किया जाए और सजाया संवारा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं प्राची। बिल्कुल, और इसीलिए हर कोई दौरा कर रहा है ताकि कमी ना रह जाए तैयारियों में। अनुभव, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं अयोध्या में, कितनी मुस्तैद हैं पुलिसकर्मी वहां पर और कितनी कड़ी सुरक्षा है? देखिए बिल्कुल, देखिए प्राची, अयोध्या शहर की अगर बात कर लें तो कुल 68 चेक पॉइंट्स हैं, यानी चौराहे हैं, गलियां हैं, वहाँ जहाँ पर बैरिकेटिंग या फिर जहाँ से एंट्री के रास्ते होते हैं, तो उन सभी जगहों पर जो है वो सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। आप चाहे नया घाट चले जाइए या फिर जो लखनऊ हाईवे से जो रास्ता आता है वहाँ पर आइए, जिसको कहते हैं कि चौराहा नंबर 4, तो वहाँ से आप आइए, कहीं से भी आइए, या फिर आप टेढ़ी बाजार के रास्ते से आइए, हर जगह पर आपको बैरिकेटिंग मिलेगी। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वो 5 अगस्त को जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो केवल ऐसा नहीं कि पुलिस के लोग, बल्कि हम यहाँ पर सरयू तट पर खड़े हैं यहाँ पुल पर, और हम आपको अगर दिखाएं तो उस दिन जो जल पुलिस है, यानी जो जल के मार के रास्ते भी कहीं कोई ऐसी घटना ना होने पाए, इसलिए सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर भी सरयू के किनारे भी किए जाएंगे। जल पुलिस लगातार यहाँ पर भी मॉनिटरिंग करेगी। और अभी आप, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये देखिए सरयू घाट, सरयू किस वेग से बह रही है, क्योंकि लगातार जल स्तर जो है सरयू का वो भी बड़ा है, खतरे के निशान के ऊपर सरयू बह रही है। ऐसे में जल मार्ग पर भी सुरक्षा के खास और पुख्ता इंतजाम रहेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अनुभव की, किस तरीके से मुस्तैदी नजर आ रही है और तैयारियां जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अयोध्या के पल पल बदलते रंग, अयोध्या में चलती तैयारियों पर लगातार एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है और वो खबर हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। जब से मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख 5 अगस्त पक्की हुई है, अयोध्या में हर ओर हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, साधु संतों से लेकर आम लोगों में भी काफी उत्साह है। वैसे भी राम की धरती कई प्राचीन यादों में सिमटी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको हर ओर बस राम नाम ही नजर आएगा। खैर, सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अयोध्या पहुंचे हैं और सुबह उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और वो आरती में भी शामिल।
अयोध्या पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जब अयोध्या आएंगे भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो जगह जगह तोरण द्वार जो है वो बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, रात का वक्त है और किस तरीके से अयोध्या नगरी अब सज रही है, ये हम नया घाट चौराहे पे मौजूद हैं। और यहाँ आप देखिए किस तरह से ये जो झालरें हैं वो लगाई गई हैं, ये गेट है, यहाँ हम कहें तो ये प्रवेश द्वार है एक तरीके से। जब आप हाईवे की तरफ से आएंगे और नया घाट चौराहे से अंदर जाएंगे, यानी हनुमानगढ़ी जाएंगे, रामलला जाएंगे, तो ये प्रवेश द्वार है। और किस तरह से सुरक्षा इंतज़ाम है आप ये देखिए, पूरे रास्ते को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूरी तरह से ब्लॉक है, दूसरा एक ही रास्ता खुला हुआ है आने और जाने के लिए। और यहाँ पर पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। जब से रॉ ने अपना जो इनपुट दिया है, खासतौर से 5 अगस्त को अयोध्या में आतंकी हमले का जो इनपुट दिया है, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियाँ और चौकन्नी हो गई हैं, इंतज़ाम और बेहतर अब किए जा रहे हैं। और खुद अगर हम बात करें तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, दोनों जो सीनियर अफसर हैं वो अयोध्या आ रहे हैं। और यहाँ हर एक तैयारी का, खासतौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं, उसका जायजा वो खुद लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 तारीख को SPG जो है वो अयोध्या आ जाएगी। प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो सारी जिम्मेदारी वो SPG की होती है, और प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यक्रम होता है, देखिए किस तरह से यहाँ पर चेकिंग हो रही है हर गाड़ी की, जो भी गाड़ी भीतर जा रही है वहाँ पुलिस के लोग जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ID देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो उनको भीतर जाने दे रहे हैं। तो SPG की जो टीम है वो 1 तारीख को यहाँ पहुँच जाएगी, वो जो लोकल पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन की एक बैठक होगी, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, सारे जो इंतज़ाम है, इस तरह का जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, दरअसल ऐसे कुल 68 चेक पॉइंट्स हैं अयोध्या शहर में, और सभी जगह इसी तरह से इंतज़ाम जो है वो किए जाएंगे। और कहां कहां ये बैरिकेडिंग लगनी है, ये जो SPG के अफसर हैं वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर तय करेंगे। अयोध्या से कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा। और बड़ी खबर ये मिल रही है कि अयोध्या को पूरी तरह सील करने की तैयारी है। 4 अगस्त से अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा, 5 अगस्त को PM के आने से पहले अयोध्या सील हो जाएगी, किसी को भी अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या 4 अगस्त को सील हो जाएगी, यानी 4 अगस्त को अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे, उससे पहले अयोध्या पूरी तरीके से सील हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि रॉ ने भी अलर्ट जारी किया है, इसको देखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैदी। कसम कितनी अहमियत रखती है ये कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। 2 दशक पहले अयोध्या गए नरेंद्र मोदी ने दोबारा अयोध्या राम मंदिर का संकल्प पूरा होने पर आने की कसम खाई थी, और अब 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ये कसम पूरी होने जा रही है। एक ऐसी कसम जिसे पूरा होने में लगा 29 साल का वक्त। 1991 में ली नरेंद्र मोदी ने कसम, 2020 में पूरी हुई राम कसम। 16 आने सच इस वाक्य को भगवान में भरोसा करने वाले जुबान पर बैठी सरस्वती की कृपा कह सकते हैं, संजोग में विश्वास रखने वाले महज इत्तफाक कह सकते हैं, इरादों में अटल रहने वाले कर्मयोगी इसे एक सहज संकल्प कह सकते हैं। सच्चाई यही है कि ऐसा हुआ है जिसका गवाह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी की अयोध्या यात्रा और राम कसम का एक ऐसा गवाह जिसके पास शब्द सा इस बात का सबूत है कि 1991 में जब भाजपा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भाजपा की एकता यात्रा निकाली, मोदी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए अयोध्या पहुंचे।
तो उनके साथ उस वक्त के भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे। दोनों ने अयोध्या में फोटो खिंचाई। फोटो खींचने वाले शख्स ने तस्वीर के साथ ही एक सवाल उछाल दिया था, जिसमें मोदी से अयोध्या दोबारा आने की तारीख पूछी गई, तो मोदी का जवाब था मंदिर बनने का संकल्प पूरा होने पर। अब वो मौका आ गया तो मोदी भी आने वाले। वो फोटोग्राफर थे महेंद्र त्रिपाठी। बात हुई थी नरेंद्र मोदी से, आपको कुछ याद हो अगर जहन में उस वक्त कोई बात? नहीं, सीधी सी बात है कि एक फोटोग्राफर क्या पूछ सकता है। केवल इतना ही पूछा था कि कैसा लगा आपको रामलला दर्शन करने के बाद। फिर हमने अकस्मात ऐसे पूछ लिया था कि अयोध्या दोबारा आप कब आएंगे, तो उनके मुंह से यही निकला था कि जब राम मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगा। सियासत में वादों के टूटने और बिखरने का गवाह तकरीबन पूरा देश है, और इस वादे को भी जहन में सहेज कर रखना इतना आसान नहीं। हालांकि भाजपा नेताओं का अयोध्या से लगाव जगजाहिर है, लेकिन एकता यात्रा से निकलकर मोदी की सियासी यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक ले जाएगी, इस कद का अंदाजा तो महेंद्र त्रिपाठी को भी नहीं रहा होगा। और तब उस दौर में एक औपचारिक सवाल के जवाब में कही गई अनौपचारिक बात, एक विजय संकल्प और राम कसम इस तरह पूरी होगी, इसका अंदाजा तो इन तस्वीरों से भी लगाया नहीं जा सकता। जो भी हो, 29 साल बाद दूसरी बार पीएम मोदी आने वाले हैं, और उनके भूमि पूजन में शिलान्यास करने के बाद मोदी की ये राम कसम भी पूरी हो जाएगी। अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और वक्त है कोरोना अपडेट का। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, तो अब केस भी ज्यादा मिल रही है। एक दिन में 3765 नए मरीज मिले हैं और 57 मौतें हुई हैं। बढ़ते संक्रमण ने लोगों को डरा दिया है। लखनऊ में अभी भी कोरोना का कोहराम जारी है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस अयोध्या में ही है। संतोष हमारे संवाददाता जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या वजह समझ में आती है कि लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहा, और राजधानी लखनऊ तो मानो जैसे राजधानी कोरोना बनती जा रही है? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ अगर ये कहा जाए कि कोरोना कैपिटल हो गई है तो कोई गलत नहीं होगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार जिला प्रशासन को अगर कहा जाए तो इसके लिए भी इनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वजह साफ है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर नोएडा और आगरा में नियंत्रित कर लिया, वहाँ के जिला प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया, जब लखनऊ में हालात काबू में थे तब से ये लोग अगर कार्रवाई शुरू किए होते तो शायद इतने भयावह हालात नहीं होते और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कोरोना कैपिटल ना हुई होती। जो बीते 24 घंटे में 3765 नए मामले आए, उसमें 11% मामले सिर्फ राजधानी लखनऊ के, यानी 481 मामले सिर्फ राजधानी लखनऊ के हैं, और 4300 के करीब लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 37,000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी कि एक लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 78,000 के करीब जो है उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 37,000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, तो ये लगातार जो भयावह हालात होते जा रहे हैं खास करके राजधानी लखनऊ की, वो बेहद चिंताजनक है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ जिला प्रशासन के ग्रिलिंग कर चुके हैं, यहाँ के कमिश्नर से बात कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, सीएमओ को हटाया जा चुका, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। इसके पीछे अधिकारी अपनी दलील दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो ज़्यादा मरीज निकालें, लेकिन सवाल इस बात का कि सिर्फ राजधानी लखनऊ में क्यों, राजधानी लखनऊ के हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? आगरा है, नोएडा है, तमाम अन्य शहर हैं जहाँ पर आंकड़े दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ एक अकेला शहर है जहाँ पर ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन के फेलियर का नतीजा है कि जिला प्रशासन जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो कवायदे की जानी थी वो सिर्फ कागजों में की, जमीनी हकीकत में वो नहीं उतार पाए, जिसका नतीजा है कि राजधानी लखनऊ में कोरोना का संक्रमण एक भयावह तस्वीर लेता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, ये तो है संतोष, कमियां तो कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सख्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है संतोष आपको कि आम लोगों पर भी सख्ती करने की जरूरत है? जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब फिर से वो नौबत आ गई है कि जो लोग अनलॉक 3 या अनलॉक 2 में बाहर घूम रहे हैं उन पर भी थोड़ी बहुत सख्ती हो, उन्हें समझाया जाए कि कोरोना अभी उनके बीच में है। देखिए, अगर समझाने से लोग समझ गए होते तो कोरोना इतना बढ़ता ही नहीं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि उत्तर प्रदेश में इतने भयावह हालात नहीं होते, महाराष्ट्र की दुर्दशा नहीं हुई होती। लोग समझाने से समझते कहाँ हैं हिंदुस्तान में, लिहाजा सख्ती बरतने की ज़रूरत है। लॉकडाउन जो 55 घंटे का जो लॉकडाउन है कि आज रात से अगर देखा जाए तो आज रात 10 बजे से लेकर के सोमवार 5 बजे तक लॉकडाउन कल भी लागू रहेगा, तो यानी कि जो 55 घंटे का जो लॉकडाउन का जो प्रयोग है वो सरकार ने ज़रूर शुरू किया, लेकिन लगता है कि जिस तरीके से भयावह हालात होते जा रहे हैं तो कुछ शहरों में ज़रूरी है कि 24 घंटे से ज़्यादा का जो कंटिन्यूस लॉकडाउन है कुछ दिनों के लिए लागू करना होगा, क्योंकि जो संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ना होगा। लोग जब संपर्क में नहीं आएंगे तभी ये रोका जा सकता है, क्योंकि लोग 55 घंटे के बाद ऐसे निकलते हैं जैसे 55 घंटे के लिए कैद हो गए हों। अब आज रात में 10 बजे से लोग सड़कों पर निकलना बंद कर देंगे, लेकिन सुबह सोमवार सुबह 5 बजे से वो ऐसे निकलेंगे जैसे 55 घंटे की कैद में थे और बेवजह लोग निकलते हैं। लिहाजा ये जो बेवजह निकलने की जरूरत है, जिला प्रशासन की जो कमियां हैं उसके साथ साथ हम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना हमारे बीच में है, अभी कहीं गया नहीं है। शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर, गैंगस्टर विकास दुबे के मनी मैनेजर पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जय वाजपेयी और उसके 3 भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। जय के 3 भाइयों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। जेल जा चुका है विकास का करीबी जय वाजपेयी, अब जो उसके भाई हैं उस पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गैंगस्टर एक्ट जो है वो लगा दिया गया है। और प्रभात अवस्थी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जय वाजपेयी जो खजांची के रूप में निकलकर सामने आया था, तो जय वाजपेयी के जो पुलिस जांच में पता चला है कि जय वाजपेयी गिरोह बनाकर अवैध रूप से संपत्ति जो है वो अर्जित कर रहे थे, जिसके चलते नजीराबाद थाना क्षेत्र में नजीराबाद थाने में 3 भाइयों और जय वाजपेयी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। हालांकि जय वाजपेयी जो है वो अभी फिलहाल जेल में है और जो 3 भाई जो बाहर है उनके लिए पुलिस जो है वो तभी चलने का काम कर रही है। बताया ये गया है कि जय वाजपेयी जो है वो बैंक बनाकर अवैध रूप से लोगों को डरा धमका कर संपत्ति एकत्रित करते थे और लोगों में इतना भय व्याप्त था। और इसीलिए अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रभात, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।